हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और लेके आ गई हूँ आपके लिए एक नया डिज़ाइन, जो कि है फ्लोरल एंड भरमा डिज़ाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें होने वाला है लोटस का डिज़ाइन, इसमें होने वाले हैं हम्स का डिज़ाइन, जो कि इस डिज़ाइन को बहुत ही बेहतरीन बनाने वाला है। ये डिज़ाइन आप अपने ब्राइडल डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही यूनिक होने वाला है। और कौन अपनी ब्राइड की मेहंदी को यूनिक नहीं बनाना चाहता है? आप भी बनाना चाहते हैं, मैं भी बनाना चाहती हूँ, तो एक नया डिज़ाइन हम दोनों मिलके सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फ्लावर बंच मैंने बनाया है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सेंटर का लिया है एंड मैंने जो थिक पार्ट बीच में किया है उसमें मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरे को कॉर्नर थोड़े से शार्प रखने हैं। जैसे मैं अभी बना रही हूँ, इसमें मुझे कॉर्नर्स को थोड़ा सा शार्प रखना है। डिज़ाइन में हमने जो कॉर्नर्स को शार्प रखते हुए एक राउंड को क्रिएट करना है। आपने देखा होगा मैंने एक फ्लावर क्रिएट किया, बट वो पूरा राउंड एक फॉर्म कर रहा है। याद रहे आपके डिज़ाइन में भी इस तरह से राउंड फॉर्म हो, अगर ऐसा होता है तो ही ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत सा बन के आएगा। अगर ये राउंड फॉर्म नहीं होगा तो ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत नहीं लग पाएगा। तो बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखें कि ये प्रॉपर राउंड में आए फ्लावर, और उनको लेके हमें बनाना है एक बंच, जो कि तीन फ्लावर वाला बंच बनने वाला है। फ्लावर्स बनाने के बाद हम लीफ के डिज़ाइन को लेंगे, जिसमें हमने पांच पत्तियों वाला बंच बनाया है। हमें एक लाइन बनानी है, डॉट लगाना है एंड स्प्रेड करना है। ऊपर के डायरेक्शन में ही हमें लीव्स को स्प्रेड करना है। याद रहे ऊपर का डायरेक्शन ही होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो वह एक वी शेप दे रहा है, तो आपको इस तरह से ही उसको शेप देना है। फिर हम कर्व पे एक लाइन उठाएंगे, जिसे हमें चार लाइन बनानी है और हल्का सा कर्व पैटर्न रखना है। स्ट्रेट लाइन नहीं रखनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा हमें लाइन का शेप नहीं रखना है, हल्का सा कर्व रखना है ताकि वो डिज़ाइन अच्छे से बन पाए और उसका लुक एकदम डिफरेंट दिखे। लाइन हमें चार लेनी है। चार लाइन लेने के बाद उसके ऊपर स्केलप्स लेने हैं। दूसरे डायरेक्शन में भी हम वही करेंगे, चार लाइन लेंगे एंड उसके ऊपर स्केलप्स लेंगे। लाइनों के बीच में हमें गैप को प्रॉपर रखना है। याद रहे लाइनें आपस में मिक्स ना हो एंड स्केलप्स भी हमें बारीक बनाना है। बारीक मतलब है कि एक भी डिज़ाइन एक दूसरे से मिक्स ना हो एंड बहुत शार्पली वो डिज़ाइन दिखे। छोटा छोटा नहीं बनाना है, मीडियम साइज़ का बनाना है, पर थोड़ा सा पतला बनाना है। ऐसा भी नहीं कि घसीटाए, पर ऐसा भी नहीं कि सब मिक्स हो जाए। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। हमें स्पायरल लेने हैं, देन स्केलप्स उठाने हैं। आज जैसा मैं कर रही हूँ, आपको सेम वही प्रोसेस करना है। इस डिज़ाइन को हम फिलिंग वर्क बोलते हैं। ये एक फिलिंग वर्क है जो आपके डिज़ाइन को अट्रैक्टिव दिखाता है। फिलिंग वर्क जब हम करते हैं उसमें चेक्स भी हो सकता है। फिलिंग वर्क में हम इस तरह से स्पायरल स्केलप्स भी ले सकते हैं, तो ये चीज़ हमारे डिज़ाइन को एक डिफरेंट लुक देती है। इसका डिसीजन हमें बहुत अच्छे से लेना होता है, इसलिए हमें फ्लावर के पास हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये चीज़ लें ताकि ये थोड़ा भरा हुआ डिज़ाइन दिखे, क्योंकि हम भरमा डिज़ाइन लगा रहे हैं। बहुत अच्छे से हमें इसे बनाना है। लास्ट में जो कटिंग पॉइंट आता है वहाँ पे भी हमें सेम साइज़ स्पायरल के रखने हैं, उसमें हमें साइजेस चेंज नहीं करने हैं। स्पायरल एंड स्केलप्स के साइजेस चेंज होने से आपका फिलिंग वर्क बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने स्पायरल लिया है जो कि बहुत छोटे छोटे से हमें बनाना है। एक राउंड, दो राउंड एंड तीन राउंड पे हमें उसे फिनिश करना है एंड उसको हमें वन बाय वन बहुत अच्छे से और बिना जगह छोड़े बनाना है। कोई गैप उसके बीच में नहीं दिखनी चाहिए। इस तरह से हम उसे कवर करेंगे। आप देख सकते हैं मैं कॉर्नर भी बहुत अच्छे से कवर कर रही हूँ। आप इसे अच्छे से कवर करिए जैसे मैंने कवर किया है। थिक बॉर्डर से हमें उसे कंप्लीट करना है। थिक बॉर्डर उसको एक फिनिशिंग लुक देता है। फ्लावर में हमें शेडिंग वर्क करना है। आपको जो शेडिंग वर्क अच्छे से आता है आप वो कीजिएगा। मैंने स्ट्रोक शेडिंग ली है, जिसमें हमें सीधी सीधी लाइनें अंदर की तरफ बनानी होती है। अगर आपको शेडिंग नहीं आती तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आपको थोड़ा ईजी लगेगा। सिर्फ सिंपल सी लाइट लाइन्स आपको अंदर की तरफ ड्रॉ करनी होती है एंड फिर फ्लावर को कवर करना होता है। फ्लावर को कवर करने के लिए हमें थिक लाइन का यूज़ करना है। थिक लाइन लेके हमें फ्लावर को कवर करना है। शेडिंग करते जाएंगे और पूरा शेडिंग करने के बाद हम फ्लावर में थिक लाइन उठाएंगे, जिस तरह से मैंने उठाई है। आप देख सकते हैं स्ट्रोक शेडिंग में किस तरह से कर रही हूँ। आपको काफ़ी कुछ इस
पूरे डिजाइन में सीखने को मिलने वाला है, तो बिल्कुल आप मिस ना करें इस डिजाइन को एंड तक। शेडिंग वर्क को भी हमें बहुत शार्पली कंप्लीट करना है, कुछ भी मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिक्स होता है तो डिजाइन अच्छा नहीं लग पाता है, मिक्स होने से सारा हमारा डिजाइन बिगड़ जाता है जो कि बहुत ही अनफिनिश्ड लगता है। तो इसलिए हमें बॉर्डर लाइन से उसे कवर करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, पर बीच में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे अच्छे से नहीं कवर कर पाते। इसलिए जो मिस्टेक हो रही है वो लाइन पे आपकी हो जाएगी, चलेगा, बट बीच में जाके वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको एक रेफरेंस लाइन लेनी है बीच में, बिल्कुल सेंटर में, और इस तरह से एक शेप लेना है, पत्ते का शेप है ये। पत्ते का शेप हमें नीचे की तरफ से चौड़ा और ऊपर की तरफ से तीखा रखना है, जैसे मैंने रखा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो स्क्रीन पे आपको जो शेप दिख रहा है आपको एज इट इज ऐसा शेप बनाना है, ताकि आपका शेप बहुत ही प्रॉपरली बन जाए, जिसमें हम फिलिंग करने वाले हैं। ये मेन हाईलाइट डिज़ाइन है, जो आपका पूरा डिज़ाइन हाईलाइट होगा वो इसी से होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी हमें मिस्टेक नहीं करना है इसको बनाने में। ये बहुत अच्छे से शेप आएगा तो आपका डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत सा दिखने वाला है। स्केलप्स हमको लेने हैं, हमको स्केलप्स का ध्यान रखना है, एक जैसे स्केलप्स हमें उठाने हैं, और ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल मिक्स ना हो। अगर मिक्स हो गई डिज़ाइन तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ पे मैंने कमल बनाया है, कमल का डिज़ाइन जो हमारा इसमें हाईलाइट डिज़ाइन है, तो इससे हमें बहुत अच्छे से लेना है। और इसमें हमें पहले तिलक का शेप लेना है एंड फिर हमें जो पेटल्स निकालनी है कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जिस तरह से मैंने बनाई है, आपको सेम यही स्टेप को फॉलो करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। अगर थोड़ा सा अगर लोटस में आपको दिक्कत आता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा। डायरेक्ट आप नहीं कर पा रहे हैं तो पहले रफली प्रैक्टिस कर लो और फिर उस पर ट्राई करो, तो काफ़ी अच्छे से ये हो जाएगा। ये वाला जो कमल का डिज़ाइन है, ये जो मैंने तीसरे नंबर पे कमल बनाया है, ये आपको काफ़ी अच्छे से उसको क्लियर करने में हेल्प करेगा, ताकि आपको पूरा शेप समझ आ जाए कि मैंने क्या लिया है। साइड के कॉर्नर्स हम छोड़ देते हैं, जिससे हमें काफ़ी फिलिंग वर्क करना पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो हमारी डिज़ाइन अच्छी नहीं लग पाती है। आपने देखा होगा बहुत सी बार आप ऐसा लोटस का डिज़ाइन बनाते हैं या फिर कोई भी फिलिंग वर्क करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको फील करना पड़ता है, जिससे वो डिज़ाइन बहुत ऐसा ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, बहुत काला काला हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें डिज़ाइन को बढ़ा लेना है और फिलिंग वर्क को थोड़ा सा कम कर देना है, ताकि ये डिज़ाइन भी अच्छा लगे और जो आपने अंदर फील किया है वो भी अच्छा लगे। आप लोग डिज़ाइन को तो बहुत अच्छे से कॉपी कर लेते हैं, बहुत प्रॉपर बना लेते हैं, पर उतना अच्छा लुक नहीं आ पाता, क्योंकि आप उसकी बारीकी को नहीं लेके चलते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो डिज़ाइन आप बना तो लेंगे पर इतना अच्छा लुक नहीं लेके आ पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप घर पे कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, या आप मेहंदी को कहीं किसी टीचर के पास ना जाके खुद से ही कवर करना चाहते हैं, तो आपको एज इट इज़ डिज़ाइन को कॉपी करना पड़ेगा। लाइन, स्केलप्स, सब चीज़ों को आपको एज इट इज़ कॉपी करना रहेगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक किसी भी आर्टिस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, हो सकता है आपको कुछ साल लग जाए सीखने में, पर अगर खुद से सीखना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ करनी होगी। आप कहीं और भी जाएंगे, आपको वो यही चीज़ सिखाते हैं कि आप हर चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करो। अपना जो डिज़ाइन होता है वो हमारे माइंड में एक फिक्स डिज़ाइन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत फेस करनी पड़ती है। मैंने ये लीफ के डिज़ाइन को उठाया है, जिसमें लाइन बनाना है, डॉट लगाना है, स्प्रेड करना है, लाइन बनाना है, डॉट बनाना है एंड स्प्रेड करना है। ये करने से आपका ये लीफ का डिज़ाइन बहुत अच्छा बन जाएगा। देन टॉप पे जो लीफ का डिज़ाइन है उस पर प्रेशर को थोड़ा सा ज़्यादा लगा के उसको स्प्रेड कर देना है। लाइन, प्रेशर, स्प्रेड, लाइन, डॉट, स्प्रेड, लाइन, डॉट, स्प्रेड, आपको यही स्टेप को फॉलो करना है। ये चीज़ अच्छे से होने के बाद हमें हम्स का शेप लेना है। ध्यान रहे जो टॉप पे है वहाँ पे तीखा ही आना चाहिए, एक जो पत्ती वाला शेप मैं बोल रही हूँ एकदम शार्प शेप आना चाहिए सबसे टॉप पे, उसे बिल्कुल मिस ना करें। दोनों को मिलाएंगे तो ये शार्प हो जाएगा, उसका बॉर्डर लाइन ले, देन फिर उसे हम वापस से कवर करेंगे, जिसके लिए हम दो या तीन लाइन का यूज़ करेंगे। लाइंस के बनाने के बाद हमें स्केलप्स को लेना रहेगा। स्केलप्स हमें बारीकी लेने हैं, जैसे मैंने आपको अभी तक सिखाया है।
वैसे ही आपको लेने हैं, देन इधर भी हम लाइंस कवर कर देंगे ताकि दोनों चीज़ों को हम सेम दिखा पाएँ। हमें दोनों डायरेक्शन को सेम लेना है क्योंकि डिज़ाइन एक ही है। ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगती है हाथ पे बनने के बाद। आप ब्राइडल हैंड के अगर बैकहेंड में बनाते हैं तो ये डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव लगने वाली है, और आपके ब्राइड का डिज़ाइन के साथ साथ उसका मन भी बहुत ही खुश होने वाला है। तो इस डिज़ाइन की प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ये डिज़ाइन सिर्फ ब्राइडल के लिए ही नहीं है, आप अपनी मम्मी को या फिर आप अपने कलीग्स को, अपने क्लाइंट्स को, आप किसी को भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। जिन्हें भरमा डिज़ाइन पसंद है या फिर जिन्हें फ्लोरल डिज़ाइन पसंद है उन्हें भी आप ये लगा सकते हैं। इसे हम प्रॉपर भरमा नहीं कह सकते, ये एक ट्रेडिशनल भरमा आप कह सकते हैं, इसे आप एक फ्लोरल प्लस भरमा कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपको डिज़ाइन मिल जाएगा जिसमें सिर्फ फिलिंग वर्क या फिर सिर्फ लाइंस नहीं ये होती है। डिज़ाइन जो मैं अभी बना रही हूँ, इसमें और नीचे वाले जो मैंने फिलिंग वर्क किया है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। मैं इसका डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें स्पायरल लिया है, डॉट लगाया है एंड स्केलप्स की दो लाइन ली है। ये चीज़ मैंने की है, और नीचे की तरफ मैंने किया है राउंड राउंड डॉट एंड स्केलप्स। स्केलप्स की एक लाइन ली है, राउंड को मैंने दो बार राउंड राउंड किया है, देन इसमें मैंने सिर्फ एक बार किया है, और यहाँ पे मैंने दो बार स्केलप्स की लाइन ली है। तो टोटली दोनों तरीके से मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि ये कितना डिफरेंस आपको दिखाएगी। फीलिंग वर्क में जो छोटा मोटा डिफरेंस होता है वही आपके फीलिंग वर्क को चेंज कर देता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे करके बताया है। आप दोनों को सेम नहीं बोल सकते, दोनों का लुक अलग अलग होता है। लुक ही मैटर करता है। जो आपने बीच में स्पायरल बनाया है, स्पायरल के शेप को अगर आप चेंज करते तो डिज़ाइन पूरा चेंज हो जाता है। हमें फिंगर डिज़ाइन बनानी है जिसके लिए हमें एंडिंग बेल्ट का डिज़ाइन बनाना है। इसे एंडिंग बेल्ट बोलते हैं, जिसमें हमें बीच में हमें सबसे फर्स्ट में हमें थिक लाइन लेनी है, फिर वापस से नॉर्मल नॉर्मल लाइन लेनी है एंड स्केलप्स लेके हम स्लीव के थिक लाइन लेनी है, फिर नॉर्मल तीन लाइन लेनी है, स्केलप्स लेने हैं। आप अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग लाइंस एंड स्केलप्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना उसको साइज का नीड है, जितने साइज पे आपको उसको बढ़ाना है आप कर सकते हैं। देन आप इस तरह से उसके एंड में आप पत्तियों के डिज़ाइन को ले सकते हैं। इसमें मैंने टर्न दे रखा है, तो इसे आप थोड़ा अच्छे से समझ लें ताकि वो टर्निंग पॉइंट से आपका डिज़ाइन कि फिंगर की डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से उठ के आए, काफ़ी डिफरेंट लुक उसको दिखाए। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। स्केलप्स स्पायरल जो फिल करना है उसके लिए मैंने एक हल्की हल्की लाइन आपको दे दी है कि आपको इतने में ही फिल करना है। थिक लाइन लेंगे, नॉर्मल लाइन लेंगे, स्केलप्स बनाएंगे बिल्कुल जैसा मैं कर रही हूँ, आपको सेम वैसा ही करना है। हम्स बनाएंगे, हम्स पे थिक लाइन लेंगे, नॉर्मल लाइन लेंगे, नॉर्मल लाइन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्केलप्स को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्केलप्स की अगर आप लंबी फिंगर है तो आप स्केलप्स की दो या तीन लाइन ले सकते हैं। देन आपको लीफ के डिज़ाइन को उठाना है। पहले हमें प्रेशर कम रखना है, फिर थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ाना है एंड एंड पे हमें प्रेशर को कम रखते हुए छोड़ देना है। इस तरह से आप फीलिंग वर्क कर सकते हैं। हमने जो हम्स बनाए थे पहले, उसमें हमने जो बची हुई जगह है उसे फिल नहीं किया था, तो हमने पहले उसे फिल कर दिया है। उसे अच्छे से फिल करना है ताकि कोई भी गेप ना रहे, बिल्कुल भी हमें जगह खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पे भी हम फीलिंग वर्क जो हमने उधर दो तीन फिंगर में किया है वही इधर भी करेंगे। ये हमें बहुत क्लीन तरीके से करना है ताकि सब चीज़ें बहुत क्लीन दिखें। कुछ भी चीज़ अगर मिक्स होती है या फिर आपके हाथ के दाग इधर उधर लग जाते हैं तो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि हम कहीं दाग लगा रहे हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, वो तो मेहंदी में दब जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप अगर कहीं मेहंदी का स्टेन रह जाता है तो वो नहीं हटता है, इसलिए हमें बहुत क्लीन काम करना है ताकि हर जगह आपका काम बहुत ही फिनिशिंग से दिखे। फिंगर डिज़ाइन मैंने सारी सेम रखी है ताकि कोई भी डिज़ाइन आपको चेंज ना मिले। अभी हमने ये हाथ को उठा के अगर दिखाना है तो फिंगर में हमें सब में सेम फीलिंग करनी है ताकि यह हाथ बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे। जो बीच का मैंने डिज़ाइन बनाया है, मैंने आपको पहले ही कहा था ये हाईलाइट डिज़ाइन है, तो इसको अगर दिखाना है तो आपको जो फिंगर्स है उसे सेम बनाना होगा। सेम बनेगी, डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा एंड अट्रैक्टिव भी है।
लगने वाला है। आपको ये डिजाइन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरे मुझसे इस वीडियो में कोई कमी रह गई है आपको समझाने में तो मुझे एक बार कमेंट जरूर करना, मैं उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी कि आपको इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी ये काम आप खुद ही कर देंगे। आप सिर्फ मुझसे अच्छे अच्छे मेहंदी लगाना सीखिए और अच्छे अच्छे टिप्स लीजिए और बढ़िया से मेहंदी लगाइए।